आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट तेह वाली बिरयानी। तो उसके लिए ले लिए हमने दो बड़ी प्याज। अब इसको फ्राई कर लेंगे। दो चुटकी हमने सौंफ लिए, एक चम्मच हमने काली मिर्चें लिए और आधी चम्मची हमने लौंगे लिए, जायफल जावित्री लिए थोड़ी थोड़ी लिए और ये इलायची के दाने हमने ले लिए। 9 अदद बादियान का फूल ले लिया है, इसको हम पीस लेंगे। और ये पानी में डालने के लिए हमने ये लिया है 2 तेज़ पत्ते और 1 पिंच हमने ले लिए सौंफ, 1 बादियान का फूल ले लिया हमने, 3 लौंगे ले लिए, 1 टुकड़ा हमने ले लिया है दालचीनी का। और ये अभी प्याज लाल हो जाएगी तो ये उसके अंदर डालेंगे हम। 2 तेज़ पत्ते हैं और 2 बड़ी इलायची है और 2 छोटी इलायची है, 2 चम्मच जीरा है और 1 टुकड़ा हमने दालचीनी का ले लिया है ये। और थोड़ा सा इसके अंदर साबित गरम मसाला डालेंगे, अभी हम आपको दिखाते हैं। ये हमने गरम मसाला ले लिया है थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल 5 लौंगे ले लिए, 5 हमने काली मिर्ची ले ली हैं, 8 मिर्चें हम ये जो हमने निकाली थी 8 अदद इसको हम पीस लेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसके अंदर ये गरम मसाला डाल देंगे जो आपको दिखाया था सारा। अब हम ये 3 पाव मटन है, हमने 3 पाव मटन डाल दिया है इसके अंदर। 3 पाव मटन डाल दिया हमने इसके अंदर, अब हम इसको भूनेंगे। अब हम इसको भूनना है, थोड़ा सा हमने इसके अंदर पानी डाला है, 1 चम्मच हमने लहसुन अदरक डाल दिया इसके अंदर, 1 मिर्ची पीस के रखी थी ये भी डाल दी हमने इसके अंदर। अब हम इसकी भुनाई करेंगे थोड़ी सी, 5 मिनट तकरीबन। हसबे जायका हमने नमक डाल दिया ये। पाँच मिनट हो चुके हैं हमें इसे भूनते हुए, अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे 2 गिलास ताकि गोश्त गल जाए। गोश्त गलने तक हमने इसको पकाना है। हमने पानी डाल दिया है, अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और इसकी आंच कम कर देंगे। मटन गल चुके हैं, अब हम इसकी भुनाई करेंगे। हमने दरमियान में जब मटन गलने वाला था उससे पहले हमने 5 आलू बुखारे इसके अंदर डाल दिए थे, आप लोगों को बताना ज़रूरी था तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। दरमियान में डालते हैं 5 आलू बुखारे, आधा जब गोश्त गल जाता है उस टाइम खुश्क आलू बुखारे डाले थे मैंने। इसके अंदर डालेंगे बिरयानी मसाला, ये वाइट जो हमने पीसा है, हमने आपको दिखाई थी सारी चीज़ें, सौंफ, इलायची, जायफल, जावित्री, बादियान और गरम और काली मिर्चें और लौंग, ये हमने आपको दिखाया था, ये हमने इसके अंदर डाल दिया है। हम बना रहे हैं वाइट मटन बिरयानी तेह वाली। अब इसके अंदर से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, अब हम डाल रहे हैं 1 प्याली दही। अब इसके बाद हम इसका नमक चेक करेंगे, नमक इसका थोड़ा सा कम है, हम और डालेंगे इसके अंदर। ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है, हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसको धीमी आंच पर रख देंगे 5 मिनट के लिए।
आधा भगोना पानी ले लिया है। सौंफ, बादियान का फूल और दालचीनी और तेज पत्ता हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब ये पक रहा है। अब हम इसके अंदर चावल डाल रहे हैं। 3 पाव चावल लिए हैं हमने, 3 पाव गोश्त थे, 3 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा गोश्त थे। इसके अंदर हमने ये चावल डाल दिए और इसके अंदर हम डालेंगे नमक। नमक आप भी हंसी राय का डाल सकते हैं और उसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच तेल। थोड़ा सा हम इसके अंदर पुदीना भी डाल देंगे। हमने इसको 75% पकाना है और 25% छोड़ना है। चावल हमारा बॉईल होने वाला है। चंद सेकंड लगेंगे इसको बॉईल होने में। चावल को हमने छान लिया है। अब हम इसकी तेल लगाएंगे। मसाले का तेल हमने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा। अब हम इसके अंदर चावल डाल रहे हैं। ये मसाला डाल दिया हमने आधा। पुदीना डाला है हमने इसके अंदर। ये हरी मिर्चें डाली हैं थोड़ी सी। ये अदरक काटी दी हमने, ये भी इसमें डाल दी। और थोड़ा सा हरा धनिया है, ये डाल दिया हमने। अब इसके अंदर थोड़े से और चावल पड़ेंगे, थोड़े से चावल और डाल दिए हमने। और इसके बाद हमने जो बाकी मसाला था वो भी डाल दिया इसके अंदर। भी जो बाकी मसाला था हमने ये भी डाल दिया इसके अंदर। बाकी मसाला भी हमने इसमें डाल दिए हैं। और ये जो चावल थे हम इसके अंदर डालने हैं। पाव गोश्त था और 3 पाव बासमती सुपर करना चावल थे ये, वो हमने डाल दिया। अब हम इसके ऊपर से थोड़ा सा घी लगाएंगे। हमने थोड़ा सा घी ऊपर से लगा दिया है चावलों में ताकि वो टूटे नहीं। हमने इसके अंदर आधा ढक्कन केवड़ा डाल दिया है। हमने इसको कवर कर दिया है। को ढक दिया है और उसको धीमी आंच पर हम रख दिए। हमने घी रख दिया है और हमने इसको ढक के आंच तेज आंच पर पहले रखेंगे हम इसको। और 5 मिनट तो हम तेज आंच पर रखेंगे और फिर इसके बाद 5 मिनट के लिए हम इसकी धीमी आंच कर देंगे। व्हाइट तेल वाली बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है।